तो जो शेष हमारे टीचर सामने बैठे हुए अपने आप को एज ए स्टूडेंट फील करेंगे और ऐसे ही फील कराएंगे जो सामने प्रेजेंटेशन कर रहा है उसको, जो प्रेजेंटेशन कर रहा है केवल वही अपने आप को टीचर की भूमिका में समझेगा, बाकी हम सब एज ए स्टूडेंट रोल प्ले करेंगे। आपको साथ साथ एक ध्यान और रखना है कि जब शिक्षण योजना का प्रस्तुतिकरण हो रहा था तो क्या दो अच्छी बातें आपको लगी और क्या दो बातें ऐसी लगी जिनमें सुधार की आवश्यकता है, ये प्रत्येक अध्यापक जरूर नोट करें और वो बताएंगे कि इस टीचिंग प्लान में ये मुझको अच्छा लगा और इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये काम हमारा बैठक के जब द्वितीय चरण चलेगा तब चलता रहेगा। जब बैठक का तीसरा चरण होगा तो तीसरे चरण में हमारे जो तीनों मॉड्यूल है, हमारे आधारशिला मॉड्यूल, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, उसकी विषय वस्तु पर और मिशन प्रेरणा के जो हमने महत्वपूर्ण घटक है दीक्षा और हमारा रीड अलोंग ऐप और जो जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं ऑपरेशन शक्ति मिशन शक्ति हो गया, उन सब पर चर्चा की जाएगी बैठक के तीसरे भाग में। जो बैठक का चतुर्थ भाग होगा उसमें हमारे जो विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में होंगे उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। प्रीतम जी एआरपी का भी स्वागत है बैठक में। तो जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनका सानिध्य में प्राप्त होगा, वो आपको मिशन प्रेरणा के संबंध में जागरूक करेंगे और शासन की जो नई योजनाएं आ रही हैं क्या किस तरीके से हमारे विद्यालयों में कार्य होगा उस पर प्रकाश डालेंगे। बैठक के चतुर्थ भाग में हमारे जो शिक्षक संकुल सदस्य हैं वो सभी डीसीएफ जरूर भरेंगे, अपना डीसीएफ जरूर भरना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ जो शेष हमारे समस्त अध्यापक हैं उनके लिए उनके समूह में एक फीडबैक का लिंक डाला जाएगा कि हमारी बैठक कैसी रही, उस बैठक पर वो अपना फीडबैक देंगे। और एक जो बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होगा वो हमारा सभी अध्यापकों के लिए होगा, आपको विद्यालय में क्या शिक्षण संबंधी समस्याएं आ रही हैं, आज बैठक में हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे साथ रहेंगे तो आप अपने जो अन्य प्रशासनिक बिंदु हैं कायाकल्प से संबंधित वो भी बैठक में जरूर रखें। और बेहिचक अपने विद्यालय में जैसे अभी हमारी बैठक में पीडीओ मैडम भी आएगी उनसे जुड़े हुए हमारे ऑपरेशन कायाकल्प के बिंदु हैं, किन विद्यालयों में सेक्रेटरी काम नहीं करा रहे, ग्राम प्रधान का कितना सहयोग मिला विद्यालयों को, तो बेहिचक अपनी बैठक में उनको भी जरूर रखें। ये बैठक का हमारा पांचवा सत्र रहेगा। तो इस प्रकार आज की हमारी बैठक संपन्न होगी। अब जो आगे की कार्रवाई है उसके लिए मैं श्री रविंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आगे कार्रवाई जारी रखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद भाई। नेक्स्ट कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त अध्यापकों के द्वारा एक प्रेरणा की किया जाना है, समस्त विद्यालय स्टाफ एक है रंग रूप वेश भाषा
चाहे अनेक है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल रही सागर में हुई सब एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। धन्यवाद। बैठिए। इसी बीच में हमारे विकास क्षेत्र नागल से खंड विकास अधिकारी पहुंचने वाले हैं, हम सभी उनका खड़े हो गए जब भी आएंगे सम्मान से जो है उन्हें स्टेज तक लाए। वीडियो बंद कर लियो, वीडियो चल रही। सुना है उनके बारे में, ये अंकल का फोन है, और शिक्षा